हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर ट्रक के अंदर आपने ब्रिक्स को काउंट करना है, कितनी आई है और कितनी आपने मंगाई थी, तो किस तरीके से आप जो है ब्रिक्स की जो है काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त जो है ट्रक के अंदर बैठा हूँ। आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो ईंटें दिखाई दे रही होंगी। तो इनकी आज काउंटिंग करेंगे, किस तरीके से काउंटिंग होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और कितनी हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल निकल कर आती हैं तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में। अंदर के इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का अंदर का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी विड्थ वाली साइड है उसमें हमारी जो है कितनी है, तो काउंट करते हैं। इसमें हमारी जो है कुछ रो में 30 ईट्स हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, और किसी में हमारी 30 है, किसी में 31 है। तो इसमें तो हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं इस साइड की, इसमें यहाँ से एक रो, यहाँ पे एक ईट एक्स्ट्रा लगी, यहाँ पे एक ईट एक्स्ट्रा लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग करेंगे, तो देखते हैं कितनी ईंटें बनती है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम 3 ईंटों की एक ईंट लेंगे। यहाँ पे हमारी 5 हो गई थी, तो 6 1 7 7 और 2 ईंटें हमारे यहाँ पे बच रही है, तो 7 हो गए। तो इसको, इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में यहाँ पे हमारी जो ईंटें हैं वो हमारी 8 ईंटें रहने वाली हैं। तो मैंने वहाँ पीछे देख लिया था कितनी टोटल ईंटें हैं और उससे मैंने 2 माइनस कर लिया, तो इससे मेरी जो है इसकी हाइट निकल गई। इसमें कितनी ईंटें लगी हुई है तो हम कर देंगे 31 इंटू, यहाँ पे थी 5 2 7 और 1 8, 31 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो हमारे पास जो ईंटें निकल के आ रही है वो आ रही है 1984 ईंटें, जो यहाँ तक जो है हमारी ईंटें आ रही है। उसके बाद की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 31 और 30 इस साइड को होगी, तो इस बार मैं इसको 30 की रो में लूँगा। और यहाँ पर देखेंगे लंबी कितनी ईंटें लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 ईंटें हमारी लंबी लगी हुई है। 31 हमारी दूसरी तरफ को है, हमारी चौड़ी वाली साइड। और हाइट की बात हो तो यहाँ पे आपकी 9 ईंटें आएगी, 1 2 9, तो 1674 हो गया हमारा ये वाला पार्ट। फर्स्ट वन पार्ट हमारा 1984 था, तो इसको प्लस कर देंगे 1984, ये बन गई हमारी 3638 ईंट। और यहाँ पर हमारी 2 ईंटें बच रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये छोटे वाली रो है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 8 इंटू 8 2 इंटू 8 इंटू 31, 496 ईंटें ये होगी हमारी, तो प्लस कर देंगे इसको 3638 है, प्लस 3638 4434 हमारी यहाँ तक ईंटें हो गई हैं। इसके बाद हम आगे की काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 जो हमारी ईंटें हैं वो उसमें एक ईंट ऊपर की तरफ फालतू लगी है, तो इसमें हम कर देंगे 4 इंटू 31 इंटू 9 9 ही 10 होगा, सॉरी इसमें 10 कर देंगे, तो इसमें हमारी 1240 ईंटें आ रही है, तो प्लस 4134, प्लस 4134, तो ये हमारी 5374 ईंटें आ रही है। तो बात करते हैं आगे वाली रो की। आगे वाली रो में हमारे पास 2 ईंटें आपको देखने को, 2 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें 2 इंटू 31 इंटू, हाइट की बात करूँ तो इसमें 9 ईंटें लगी थी, 9, तो 558 ईंटें आ रही हैं, तो इसको प्लस कर देंगे 5574 के साथ प्लस। तो हमारी जो टोटल ईंटें निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 5932 ईंटें, बट जो हमारी ये रो है कुछ में हमारी 31 है तो कुछ में हमारी 30 है, तो उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो
उसके अकॉर्डिंग हमारी 6000 ये पूरी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, किस तरीके से ईंटों की कैलकुलेशन की जाती है, किस तरीके से ईंटों का जो है वॉल्यूम निकाला जाता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारे जो है ईंटें निकाल रहे हैं, तो कुछ ईंटें इन्होंने निकाल भी दी है, तो जो काउंटिंग में नहीं आई। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ईंटों की कैलकुलेशन कर सकते हैं मोटी मोटी। तो मिलते हैं ऐसे अगर वीडियो में। तो अगर जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे अगर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।